ये है हमारा वो प्रीवियस स्लाइड ओके सो हम लोगों ने ऐसे फ्लावर्स नाम रख रक, uh, रख के सेव किए थे सो यू हैव द टाइटल बार हियर और इतना सारा स्लाइड्स हम लोग कर चुके थे देखा वन टू थ्री फोर सो देयर आर फोर स्लाइड्स इन दिस अभी इस टॉपिक का नाम क्या है इस चैप्टर का नाम है अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट्स टू टेक्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स क्या होता है आप कहीं सुने हो ऑब्जेक्ट्स के नाम ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पिक्चर्स और वीडियो फ़ाइल या फिर वर्ड आर्ट जो हम लोग इंसर्ट करते हैं ना उसे सब कुछ कहते हैं ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग इंसर्ट कर प्रेस करके और उसे इंसर्ट करते हैं वो सब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोगों ने यहाँ पे क्लिप आर्ट इंसर्ट किया है और uh, क्या सब किए थे वर्ड आर्ट किए थे इमेज किए थे सो so ये सब बनता है ऑब्जेक्ट सो टेक्स्ट क्या बनता है टेक्स्ट तो नॉर्मल टेक्स्ट है जो हम लोग टाइप कर रहे हैं और सो so आज देखने वाले हैं कैसे इनको अनिमेशन एफेक्ट देंगे पहले तो हम टेक्स्ट को देखेंगे ऑलराइट सो so, टेक्स्ट को ऑलवेज रिमेम्बर टेक्स्ट तो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए जैसा वाला फ्लावर्स ये वाला फ्लावर्स है वो टेक्स्ट है मगर ये क्या है ये तो वर्ड आर्ट है है ना देखा ये बॉक्स कंप्लीटली बिकम्स वन सिंगल एंटिटी एंटिटी का मतलब है ना ऑब्जेक्ट सो ए कंप्लीट बॉक्स बिकम्स वन ऑब्जेक्ट सो यहां पे जो अप्लाई करते हैं वो डिफरेंट एनिमेशन होता है आज यहां पे जो अप्लाई करते हैं ये एनिमेशन होगा ये कौन सा एनिमेशन होगा ये टेक्स्ट एनिमेशन होगा और सो right? so, देखते हैं कैसे ये एनिमेट कर सकते हैं right? पहले, so, हम लोग आज सोचो ये और ये हम लोग पहले एनिमेट करने वाले हैं so, सो पहले एनिमेट करने के पहले, एनिमेट करने के पहले हम लोगों को ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑलवेज दैट्स रूल नंबर वन जो कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो जो फॉर्मेट चेंजेस आप करना चाहते हो सबका आप पहले एनिमेट कर, कर सकते हैं पहले कौन सा एनिमेट करते हैं जो सिलेक्टेड है उसे ही एनिमेट कर सकते हैं सो ऑलवेज रिमेम्बर बिफोर यू स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर यू स्टार्ट फॉर्मेटिंग समथिंग हम हमें उसको सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है और सो so अभी ये सिलेक्ट कर, कर चुके हैं और देखा फ्लावर्स सिलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग जाएंगे जो है एनिमेशन का टैब इसका नाम क्या है एनिमेशन का टैब ओके okay? So, हम देख रहे हैं इतने सारे एनिमेशन हैं इसमें और राइट सो देखते हैं कौन से सब कर सकते हैं ये तो ऑब्जेक्ट का एनिमेशन हो जाएगा मैं बोली कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ओके okay? सिलेक्ट करने के बाद देखा ये होगा एनिमेशन अपियर जो माउस आप उसके ऊपर डालोगे एज एन वेन यू टेक द माउस आपको वो एनिमेशन दिखेगा देखो अपियर ऐसे जिस ब्लिंक होकर आ जाएगा नेक्स्ट फेड देखो फ्लाइ इन अभी फ्लोट इन स्प्लिट वाइप शेप व्हील So, ये सब क्या है एंट्रेंस एनिमेशन है इसका सब कुछ क्या है एंट्रेंस एनिमेशन है हम लोगों ने इतना सारा देखा था सो so, हम स्विल यूज करते हैं एंट्रेंस एनिमेशन के लिए सो so, एंट्रेंस तो ऐसा होगा right? और राइट और आफ्टर दैट यू कैन चूज एम्फेसिस एम्फेसिस का मतलब गिविंग मोर इम्पोर्टेंस ओके उसके लिए हम चूज कर सकते हैं ग्रो और श्रिंक देखते हैं कैसा होगा ओके okay? ग्रो देखो ग्रो और श्रिंक ऐसा हो जाएगा right? और राइट और एग्जिट एग्जिट का माने वेन इट गोज अवे कैसे जाना चाहिए मुझे वाइप आउट होना चाहिए ओके सो इसे देखते हैं कैसे दिखेगा सो so, अब हम लोगों ने एनिमेशन एड किए हैं ये ये जो नंबर यहाँ पे आता है वो दिखाता है एनिमेशन का नंबर उसका मतलब है जो ये स्लाइड पूरा दिखेगा और फर्स्ट एनिमेशन विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट ओके सो इसे कैसे प्रिव्यू करके देखेंगे कैसे दिखेंगे कहां पे दिखेगा ये एनिमेशन सब एनिमेशन तो स्लाइड शो पे दिखेगा हम लोग तो ऑलवेज स्लाइड शो प्रेस करके फ्रॉम द बिगिनिंग देंगे ओके okay? अभी देखो आ हाँ गया सो so, ऐसे ही हर एक सीज हुआ और राइट right? हम लोगों तो देखा था यहाँ पे जो है ये स्लाइड शो पे देखने वाले हैं F5. फाइव इधर यू सिलेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग या F5 फाइव प्रेस कर सकते हो F5 करने से अपियर हो गया और एंटर करने से आउट भी हो गया है ना ये तो नेक्स्ट स्लाइड जा रहा है यहाँ पे तो हम लोग एनिमेशन ही नहीं किए यहाँ पे भी नहीं किए यहाँ पे भी नहीं किए और एंड ऑफ द स्लाइड वापस आ जाएगा ओके okay. अभी तो ये एनिमेशन में देखे थे ओके okay. हम लोगों को चाहिए एम्फोसिस सिर्फ एम्फोसिस चाहिए कैसे करेंगे एनिमेशन में जाओ एम्फोसिस में ग्रोशिंग सिलेक्ट करने वाले हैं ओके और राइट अभी देखते हैं कैसे दिखेगा सो so, कौन सी की प्रेस करना है हमें कौन सा की एफ फाइव वेरी गुड एफ फाइव देखा एंटर प्रेस करने से क्या हुआ वापस प्रेस करो आ जाएगा सो so, ग्रो होता है जो टेक्स्ट वहां पे होता है वो ग्रो होता है ओके okay? सो so, अभी वो भी कर चुके हैं और राइट सो और कोई एनिमेशन करना है तो कलर भी कर सकते हो देखो फिल कलर ऐसे फिल होगा देखते हैं कैसे दिखने वाला है एफ फाइव अभी एंटर इज दैट क्लियर ऐसे so, करने से क्या मिलता है हमें प्रेजेंटेशन में ज्यादातर एम्फोसिस मिलता है एम्फोसिस का मतलब है पीपल स्टार्ट नोटिसिंग ओके सो आप अपने क्लास के सामने सेमिनार ले रहे हो और उन्हें ध्यान उनके ध्यान तो आपने सिर्फ ए पॉइंट पे लगना है सिर्फ ये फ्लावर्स के रख, पे रखना है तो क्या कर सकते हो ऐसे वाला एनिमेशन देके फोकस कर सकते हो ऑडियंस को ऑलराइट ओके right? okay. So, अभी ये टेक्स्ट एनिमेशन हम लोग देख चुके हैं और राइट right? और ये मोर एंट्रेंस एफेक्ट मोर एफेक्ट ये सब कुछ क्या होगा ऑनलाइन से होगा जो ऑनलाइन से आप कर सकते हो वो सब है ये ये ओके okay? सो so, अभी देखो यहां से आपको ये ऑब्जेक्ट को भी आप हाँ एम्फोसाइज कर सकते हो यहाँ पे सोचो कि हम लोग बाउंड सिलेक्ट कर रहे हैं देखो ऐसे आएगा ऑलराइट और फ्ल रोस रोस को वापस देंगे फ्लाई अभी देखो स्लाइड एनिमेशन करके देखो एफ फाइव अभी तो फ्लावर्स ऑलरेडी है कैसे एंटर करना है हम लोगों ने ये इसका एंट्रेंस कुछ नहीं दिए क्योंकि हम लोगों ने इसका एम्फेसिस दिया एम्फेसिस का मतलब है ऑलरेडी रहेगा और उसके ऊपर ही हम लोगों ने एनिमेशन दिए हैं मगर वो दोनों था एंट्रेंस का एनिमेशन सो so, देखो प्रेस कर रही हूं ये तो पहला वाला एनिमेशन है जो एम्फेसिस है इसके बाद हाँ फ्लावर्स वो बाउंस वाला एनिमेशन आ गया और इसके बाद आ गया रोज़ ये फ्लाई इन करके इज दैट क्लियर सो ऐसे ही हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं इज दैट अंडरस्टूड और राइट ये जो एनिमेशन पेन है ये दिखाएगा कितना सारा एनिमेशन आप कर चुके हैं सो so, पहला वाला कौन सा है दूसरा वाला कौन सा है तीसरा वाला कौन सा है और यहाँ पे ही प्ले करके दे, स, देख सकते हैं देखो यहाँ पे ही देख सकते हैं कैसा दिखेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग इन साइड द स्लाइड ऑप्शन सो अभी यहाँ पे देखो स्लाइड शो में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब है फर्स्ट स्लाइड से जो कुछ है वो करना है ओके okay? नहीं तो देखते हैं सिर्फ इसको इसको एनिमेट करके देखते हैं कैसे एनिमेट करना है बता दो एनिमेशन वेरी गुड और ऐसे एनिमेट होके आना है ओके okay? और ये टेक्स्ट को क्या करेंगे ये कंप्लीट टेक्स्ट को सोचो so, कि व्हील करने वाले हैं ओके okay? सो so, अभी ये भी व्हील हो गया है और और इसका भी हम लोग एनिमेट करने वाले हैं ये कैसे एनिमेट कर सकते हैं बाउंस कर सकते हैं ओके, okay? सो so, अभी देखो इसका डिफरेंस मैं स्लाइड शो जा रही हूं और फ्रॉम द बिगिनिंग कर रही हूं क्लिक फ्रॉम द बिगिनिंग देखा फ्लावर्स के पेज से वापस आ रहा है यहां पे एंटर प्रेस करके देखो फ्लावर्स होगा दूसरा क्या होना चाहिए दूसरा तो वो फ्लावर्स बाउंस करके आएगा सो फ्लावर्स बाउंस और उसके बाद रोज है ना और उसके बाद एंट्रेंस होना चाहिए ये स्लाइड एम है क्योंकि हम लोग सभी का एंट्रेंस एनिमेशन दिया एंट्रेंस मतलब जब अपियर होता है वो एनिमेटेड होता है क्लिक एनिमेट हो गया ये तो पहला पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है और ये इमेज है ओके okay? सो so ऐसे भी हो सकता है मगर सोचो कि हम लोग यहां से फ्रॉम करंट स्लाइड क्लिक कर रहे हैं यहां से करंट स्लाइड क्लिक करने से क्या होगा सिर्फ ब्लैंक स्लाइड आ रहा है क्योंकि जो स्लाइड से हम एनिमेशन देखना चाहते हैं उस स्लाइड से हम लोग क्लिक किए हैं सो so अभी देखो कौन सा स्लाइड आएगा दूसरा स्लाइड आएगा सो क्लिक रोज उसके बाद फर्स्ट पॉइंट उसके बाद सेकंड पॉइंट और इमेज आ जाएगा इज दैट क्लियर सो ऐसे ही रोज को करते हैं इज दैट क्लियर और राइट सो अभी इसका ट्रांसिशन कैसे कर सकते हैं हम लोग तो स्लाइड ट्रांसिशन कर सकते हैं ट्रांसिशन का मतलब है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड कैसे जाएगा अब तो सिर्फ ब्लैंक जा रहा है ना अब सोचो कि हम पुश एनिमेशन दे रहे हैं ऐसे वाला आएगा देखेंगे कैसे कैसे मिल रहा है एफ फाइव प्रेस करना है हमें आ गया फ्लावर्स इसके बाद इसका एनिमेशन ओके उसके बाद रोज और देखो क्या होगा अभी स्लाइड को समझ में आया आपको ये पुश हो गया है क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसलेशन कौन सा क्लिक किया था पुश क्लिक किया था सो so, वो पुश हो गया सो so, ट्रांसेशन और एनिमेशन का डिफरेंसेस है एनिमेशन सिर्फ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स पे होता है मगर ट्रांसेशन किस पे होता है स्लाइड्स पे होता है सो ट्रांसेशन स्लाइड्स पे होते हैं और एनिमेशन सिर्फ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स माने जो टेक्स्ट लिखा है और इमेजेस टेबल्स कुछ भी हो सकता है उसमें होगा और राइट सो एनिमेशन ऑलवेज विल बी देखा पेज ऐसे स्प्लिट होके दूसरा पेज आएगा ओके रिवील जाके वापस आएगा ओके रैंडम बार्स शेप ओके अनकवर सो ऐसा आएगा हर एक ट्रांसिशन, सो ट्रांसिशन स्लाइड के लिए है और एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट के लिए है और राइट सो आज क्या क्या देखे चिल्ड्रन हम लोग हम लोग तो एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स देखे थे और ट्रांसेशन ऑफ स्लाइड भी देखे थे और राइट right? सो so, इससे आज का सेशन खत्म हो जाएगा और मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय